शहर में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर खासा उत्साह है। शहर में चारों ओर गणतंत्र दिवस समारोह मनाए जा रहे हैं। आइए देखते हैं कुछ खास कार्यक्रम HD न्यूज बुलेटिन के साथ। सत्य शोधक समाज अंतर्राष्ट्रीय एवं ओबीसी मोर्चा मध्य प्रदेश द्वारा संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर गणतंत्र दिवस पर संविधान की शपथ दिलाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। सत्य शोधक समाज अंतर्राष्ट्रीय के प्रदेश संयोजक हुकुम चंद जादव एवं ओबीसी मोर्चा मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सदाशिव यादव काका ने बताया कि 27 जनवरी को 11 बजे गीता भवन चौराहे पर सांसदों एवं विधायकों के पुतले चलाए जाएंगे। लोगों ने हमारे आरक्षण में से 10% आरक्षण दूसरे लोगों को देने की तैयारी करी है। उसी विरोध के अंदर हम यहाँ कल 11 बजे हमारे समाज के जो सांसद SC ST OBC के वहाँ संसद में बैठे हैं, जो लोग वहाँ बैठ कर गूंगे बहरे की तरह बैठे रहते हैं और अंधे की तरह देखते हैं, हम उनका यहाँ पुतला दहन करेंगे। जब आप सभी लोग आइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइए। सत्य शोधक समाज अंतर्राष्ट्रीय एवं ओबीसी मोर्चा मध्य प्रदेश द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष संविधान की शपथ ली गई। मध्य प्रदेश ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सदाशिव यादव काका, इंजीनियर संतोष कल्याणी एवं सत्य शोधक समाज के प्रदेश संयोजक हुकुम चंद जादव ने संविधान की शपथ दिलाई। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा संविधान रहेगा का नारा बुलंद किया। आयोजन के पूर्व गीता भवन चौराहे पर स्थित संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। हुकुम चंद जादव एवं सदाशिव यादव काका ने बताया कि दलित एवं पिछड़े विधायकों और सांसदों द्वारा विधानसभा एवं संसद में बैठकर समाज की चिंता नहीं की जा रही है। इनकी निष्क्रियता के खिलाफ 27 जनवरी को 11 बजे गीता भवन चौराहे पर डॉ. अम्बेडकर प्रतिमा के पास विधायकों एवं सांसदों के पुतले जलाए जाएंगे। कार्यक्रम यह आयोजित किया गया है कि 26 जनवरी को 1950 को हमारे बाबा साहब ने संविधान को लागू करवाया था और उसी संविधान की शपथ समारोह के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और संविधान की शपथ खाई है कि जिस तरह से बाबा साहब ने संविधान हम सबको एकता में लाने के लिए और भाईचारा सामाजिक बंधुता बनाने के लिए जो शपथ दिलाई थी उसी की शपथ हमने ली है यहाँ पर। और कल क्या आप कार्यक्रम करने जा रहे हैं? कल हम ये कर रहे हैं कि जो सांसदों ने वहाँ बैठे हैं संसद और राज्यसभा के अंदर, हमारे ओबीसी और SC ST के जो सांसद लोग हैं राज्यसभा के अंदर हैं वहाँ बैठे रहते हैं, हम लोगों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ते नहीं है, गूंगे बहरे की तरह बने रहते हैं, हम उनका यहाँ पुतला दहन करेंगे। किस विरोध में पुतला दहन हो रहा है? ये विरोध में ये हो रहा है कि वहाँ पर बैठे रहते हैं, हमारे पक्ष में कोई बात करते नहीं है। आरक्षण को लेकर अभी आप कुछ कमेंट? आरक्षण को लेकर ये है कि हमारा जो 27% आरक्षण है वो लागू नहीं हो रहा है, लागू मिल भी नहीं रहा है। दूसरा ये कि हमारी जनसंख्या ओबीसी की 52% है, 52% हमको आरक्षण मिलना चाहिए। तीसरी बात यह कि जनगणना हमारी होना चाहिए, जनगणना हो नहीं रही है, जनगणना पड़ी हुई है। तो जब हमारी जनगणना नहीं हुई और नया एक ताबड़तोड़ में आप 10% आरक्षण दे रहे हैं, इसके विरोध में हम आज 26 जनवरी के दिवस पर हम लोगों ने सामने मिलकर गणतंत्र दिवस की झंडा वंदन किया और बाबा साहब अम्बेडकर को याद करके उसकी स्थापना करी। कल का पारा प्रोग्राम ये है कि कल हम सांसद और विधायकों का पुतला जलाएंगे यहाँ पर, क्योंकि इन लोगों ने हमारी बातें नहीं सुनी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।